सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, और उससे पहले ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होगा, फिर उसके टाइप को देखेंगे। ठीक है, फंक्शन से रिलेशन को आर से लिखते थे, उसी तरीके से फंक्शन को एफ से लिखेंगे। आर सच दैट ए टू बी लिखते थे तो इसका मतलब ए डोमेन होता था, बी आपका इमेज वाला होता था। इसी तरीके से एफ सच दैट ए टू बी लिखेंगे तो सेम मीनिंग होगा जो पीछे होता था अपना। ठीक है, यस सर। बस कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे यहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन ये आ जाता है कि फंक्शन में किसी भी एलिमेंट का जो इमेज होगा वहां पे, ठीक है, फंक्शन में किसी भी एलिमेंट का जो भी इमेज होगा वहां पे, वो क्या होगा। ठीक है, रिलेशन में क्या था और फंक्शन में क्या है, अगर इस डिफरेंस को हमने आउटलाइन कर लिया तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ए क्रॉस बी देखा था, ए देखा था, बी देखा था और ए क्रॉस बी देखा था हमने। ठीक है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा था कि इसका कोई भी एलिमेंट ए होगा वो इस तरीके से होगा कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी ओनली। ठीक है, और कोई भी रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, यानी ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे उससे ज्यादा एलिमेंट इसमें नहीं हो सकते आर में। ठीक है, लेकिन आर में हमारे पास फ्रीडम थी। फ्रीडम किस बात की फ्रीडम थी, आर में हमारे पास फ्रीडम थी कि ए का कोई एलिमेंट ए आर ये आपका बी वन से भी जुड़ सकता था, ये आपका बी टू से भी जुड़ सकता था, ये आपका बी थ्री से भी जुड़ सकता था, यानी ए आर बी वन भी एग्जिस्ट कर सकता था, ए आर बी टू भी एग्जिस्ट कर सकता था, ए आर बी थ्री भी एग्जिस्ट कर सकता था। ठीक है, लेकिन फंक्शन में क्या होगा, अगर ये फंक्शन से रिप्लेस हो जाएगा तो ए एफ बी ही खाली होगा, ए एफ बी ही खाली होगा, ए एफ या तो बी वन होगा तो बी वन होगा तो बी टू नहीं हो सकता है, बी थ्री नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन का एलिमेंट होगा फंक्शन में जब करेंगे तो रेंज में उसका जो इमेज होगा वो यूनिक होगा, क्या होगा, यूनिक इमेज होगी। ठीक है, यूनिक इमेज होगी। ए क्रॉस बी में सारे ए बी पॉसिबल जितने भी हो सकते थे पेयर वो सब थे, आर में कहा गया कि डिपेंडिंग ऑन कंडीशन मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो हो सकती है वो ए क्रॉस बी की इक्वल हो सकती है, यानी ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स भी आर में हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन एफ में रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ यूनिक इमेज होगा, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिक इमेज होगा। जैसे अगर मैं ए को एक सेट के तौर पे लूं 1 2 3 और बी को एक सेट के तौर पे लूं ए कामा बी कामा सी, तो जो ए क्रॉस बी बनेगा आपका वो क्या क्या बन सकता है, वो बन सकता है 1 कामा ए 1 कामा बी 1 कामा सी, और क्या बन सकता है, ये 2 कामा ए 2 कामा बी 2 कामा सी, 3 कामा ए 3 कामा बी
3, 3, ये सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे। आर आर इसमें से डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कोई भी हो सकता है। आर इसमें से कोई भी एलिमेंट 1, a भी हो सकता है, 1, a भी हो सकता है, 1, b भी हो सकता है, 1, c भी हो सकता है। आर इक्वल टू a क्रॉस b भी हो सकता है, लेकिन जब फंक्शन बनाएंगे इसको हम, तो फंक्शन में इसके सिर्फ और सिर्फ इतने ही एलिमेंट हो सकते हैं। कौन कौन से? 1, a हो गया तो 1, b, c नहीं हो सकते हैं। 2, b हो गया तो a और c नहीं हो सकते हैं। 3, c हो गया तो a और b नहीं हो सकता है। बात समझ आ गई? ये एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके। और कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? और आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं, और एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान रखना। ये 1, a हो सकता है तो 2, a भी हो सकता है और 3, a भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान देना है। फंक्शन क्या कहता है? इसका यूनिक इमेज होगा, लेकिन उसने कहीं पे ये नहीं कहा कि डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज सेम नहीं होगा। एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो यूनिक ही होगा। जैसे 1 a से ही जुड़ा हुआ है, 2 a से ही जुड़ा हुआ है, 3 a से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 का यूनिक इमेज a है, 3 का यूनिक इमेज a है, 1 का यूनिक इमेज a है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यस सर। यानी डोमेन के, डोमेन में यूनिकनेस नहीं कहा गया है, डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स का रेंज में सेम इमेज हो सकती है, लेकिन लेकिन किसी भी एक एलिमेंट जो कि डोमेन में हो उसका एक से ज्यादा इमेज रेंज में नहीं हो सकता है। जबकि रेंज में रिलेशन में एक से ज्यादा इमेज पॉसिबल था, जैसे 1a से जुड़ा था, 1b से जुड़ा था, 1c से जुड़ा था, तो 1 के 3 इमेज थे रिलेशन में। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। तो कुछ फंक्शन होते हैं जिनका नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, जो कि हम क्लास 11 में पढ़ के आए हुए हैं जिनका ग्राफ। यस सर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंक्शन आल को भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस सर। अब आप, अगर एनसीईआरटी है तो उसमें एक डायग्राम बनाया गया है, फिगर 1.2। यस सर। फिगर 1.2 को ध्यान से देखो। सबसे पहला वाला इमेज देखो, 1 का इमेज ए पे है, 2 का इमेज बी पे है, 3 का आपका डी पे है और 4 का आपका सी पे है। यानी हर एक एलिमेंट का 1, 2, 3, 4 a b c d e f, फंक्शन डिफाइन किया गया f1 इस तरीके से कि a1 से जुड़ा हो, 2 b से जुड़ा हो, 3 आपका d से जुड़ा हो, 4 आपका c से जुड़ा हो। इसमें आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इसका हर एक एलिमेंट है और इसका यूनिक इमेज है, लेकिन लेकिन लेकिन
जो रेंज है उसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। इसी तरीके से दूसरा फंक्शन इसमें डिफाइन किया गया है एफ टू, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ। कैसे डिफाइन किया गया, बी को दो का कॉमन इमेज बनाया गया है 1 और 2 का, ठीक है। 3 का इमेज सी है और 4 का इमेज डी है। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला एफ 2 1 इक्वल टू ए एंड एफ 2 2 इक्वल टू ए, यानी दो एलिमेंट डोमेन के हैं जिनका सेम एलिमेंट है ना। ओके यस सर। इसी तरीके से अभी देखो इनका मीनिंग निकलेगा। फंक्शन 3 डिफाइन किया इन्होंने, 1 2 3 4 ए बी सी, 1 को ए से जोड़ दिया, 2 को ए से जोड़ दिया, 3 को बी से जोड़ दिया, 4 को सी से जोड़ दिया। यहाँ पे भी एफ 3 1 इक्वल टू ए है, एफ 3 2 इक्वल टू ए है, यानी दो एलिमेंट डोमेन के जिनका सेम इमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन एफ 4 डिफाइन किया इन्होंने, 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 को बी से जोड़ दिया है, 2 को ए से जोड़ दिया है, नहीं 1 को बी से जोड़ा है, 2 को सी से जोड़ा है, 3 को ए से जोड़ा है, 4 को बी से जोड़ा है। अब इसमें जब हमने देखा तो यहाँ पे क्या मिला, इसका हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट से यूनिकली जुड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है। यस सर। ठीक है यस सर। देखो तो यहाँ पे जितने फंक्शन बने हैं सारे के सारे फंक्शन सही हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन आपका ये है कि यहाँ वाले सेट में देखो और इस वाले सेट रिले फंक्शन में देखो आप, तो आप देख सकते हो कि जो इमेज है वो पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो आपके अरेंज के थे इसमें, इसके सारे एलिमेंट्स किसी और एलिमेंट की इमेज नहीं है। ई और एफ एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसमें, तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल हो सकती है, ये सिचुएशन भी पॉसिबल होती है फंक्शन में कि इसमें आपके पास में एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। ओके ओके सर। इसीलिए जो इसका इमेज सेट होता है वो इस सेट का सबसेट होता है। क्या होता है, जो इमेज सेट होगा वो इस सेट का सबसेट होगा, ठीक है। अगर आप मान लो कि ये आपका सेट एक्स वन है, ये सेट आपका एक्स टू है, ये सेट एक्स वन है, एक्स टू है, इसको एक्स वन एंड एक्स टू कहा है इन्होंने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो सेट होगा इसकी इमेज का, किसके इमेज का, एफ वन की इमेज का सेट, एफ वन एक्स वन का जो सेट होगा वो सबसेट होगा एक्स टू का, ठीक है। इसके जो इमेज का सेट हुआ वो सबसेट होगा एक्स टू का, ठीक है। जबकि फंक्शन 3 और 4 में देखो ध्यान से, तो जो इसके इमेज का सेट है ये आपका इक्वल है, किसके इक्वल है, एक्स टू के इक्वल है, ठीक है। बात समझ आ गई, यस सर। तो इस बात को ध्यान रखना है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स, डोमेन के सारे एलिमेंट्स आपके फंक्शन में यूज होने हैं, जबकि जो इमेज सेट है उसके सारे एलिमेंट होने जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके
यस सर। अब देखो, अब अगर आप अपने फंक्शन फोर को देखो, एफ फोर को देखो, तो एफ फोर के सारे एलिमेंट्स का इनमें यूनिक इमेज है। क्या है? यूनिक इमेज होनी है, सारे एलिमेंट्स का यूनिक इमेज है और किसी भी एलिमेंट का इमेज रिपीट नहीं है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का इमेज रिपीट नहीं है। अगर आपने एफ एक्स वन लिया है और एफ एक्स टू लिया हुआ है, तो जो इनका इमेज मिल रही है, जो भी इनका इमेज मिल रहा है, वो यूनिक मिल रहा है। अगर इनका इमेज एक्स वन है, एक्स टू है, या वाई वन वाई टू है, मान लो वाई वन वाई टू है, वाई वन वाई टू है, तो आप देख सकते हैं कि ये यूनिक है। एफ फोर में वाई वन वाई टू भी यूनिक है। अगर एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू है, तो वाई वन भी डज नॉट इक्वल टू वाई टू है। जब भी कभी ऐसा सिचुएशन बने, एफ फोर वाली सिचुएशन, तो इसको फंक्शन का नाम होता वन वन एंड अन टू। क्या नाम है होता है इसका? इसका नाम होता है वन वन एंड अन टू। अन टू का मतलब हो गया, जब आपके इमेज में, इमेज सेट में जितने एलिमेंट हो वो सारे एक्स टू के एलिमेंट हो, मतलब एक्स टू में कोई भी एलिमेंट एक्सेस ना हो, कोई भी एलिमेंट बचा ना हो जो कि इमेज में ना हो, तो वो अन टू हो जाएगा। ठीक है, वन वन का मतलब हो गया कि सारे एलिमेंट्स का अपना अलग अलग इमेज हो और कोई भी इमेज किन्हीं दो एलिमेंट का कॉमन ना हो। जबकि फंक्शन थ्री देखो, तो फंक्शन थ्री में आप देखा कि एफ वन वन इक्वल टू, यहाँ पे एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू था, लेकिन वाई वन इक्वल टू वाई टू मिल गया आपको, है ना? ए ए यस ठीक है, ठीक है यस सर। तो ये आपका वन वन नहीं हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं मैनी वन। क्या बोलेंगे? मैनी वन। ठीक है यस सर, बात समझ आ गई? यस सर। तो यहाँ पर देख सकते हैं F1 और F4 वन वन है, F2 और F3 क्या है? मैनी वन है। लेकिन F1 और F4 में डिफरेंस क्या है कि F4 अन टू है, जबकि F1 अन टू नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? यस सर, आ गई। अनटू को बाइजेक्टिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनटू जो वर्ड है उसको बाइजेक्टिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइजेक्टिव। वन वन बाइजेक्टिव या वन वन अनटू, जो भी लिखो दोनों बात एक ही है। ठीक है, सब्जेक्टिव बोलेंगे, बाइजेक्टिव सर, एक मिनट रुक जाओ, अभी बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव आगे देखेंगे अभी। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, अच्छा ये देखो, यहाँ पे इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है आपके इसके इमेज सेट के एलिमेंट होंगे। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे कि F1 अन टू नहीं है, F2 भी आपका अन टू नहीं है, जबकि F3 और F4 दोनों आपके क्या है? अन टू है। ठीक है,
F4 जो है आपका 1-1 एंड R2 यानी बाइजेक्टिव भी है, ठीक है, ठीक है। F3 एंड F4, यस सर, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके एक एक डिफिनेशन को, और डिफिनेशन को देखते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहली डिफिनेशन है, ए फंक्शन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज या डिफाइंड टू बी, इज डिफाइंड टू बी ऑन टू आर सर्जेक्टिव, ऑन टू आर सर्जेक्टिव, ऑन टू आर सर्जेक्टिव, ऑन टू आर सर्जेक्टिव, ठीक है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि बी यानी वाई में कोई भी एलिमेंट आपका नहीं बचेगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। बाइजेक्टिव का मीनिंग होगा बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, ठीक है, ठीक है। yes, चलिए अभी लिखेंगे, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। बाइजेक्टिव का मतलब हो गया कि इंजेक्टिव इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो। यहाँ पे सिर्फ ऑन टू की बात की गई है, ठीक है, 1-1 की बात नहीं की गई है। एफ इज सच दैट फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी ऑन टू, is defined to be onto means is defined to be onto means surjective, 1-1 को injective बोलते हैं, ठीक है, और onto को surjective बोलते हैं, ठीक है। is defined to be onto if every element of y is the image of, is the image of some element of x under f, that is, इसको इस तरीके से लिखेंगे, that is for every y element y there exist x element x, ठीक है, such that there exist x element x such that fx equal to y। बस समझ में आ गई? Yes sir। तो इसमें से सर्जेक्टिव कौन कौन सा होगा? F1, F2, F3, F4 में सर्जेक्टिव कौन कौन सा होगा? पहले वाला सब्जेक्टिव होगा, गलत है। थर्ड वाला, ये लिखा हुआ दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज ऑल नॉट ऑन टू। व्हाई नॉट ऑन टू? क्योंकि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ई एंड एफ, ठीक है,
जो कि किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो ये सब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो F3 एंड F4 क्या है, ये सब्जेक्टिव होंगे। एग्जाम्पल F3 एंड F4 आर सर, ये V का क्या मतलब था? ये V क्रॉस, ये V का क्या मतलब है? V V सर, V V कहाँ पे सर? V और उसके V डाटे इसके बाद जो लिखा है। नहीं समझ में आ रहा है बेटा, फिर से बोलो। सर जो सेकंड लास्ट लाइन में आपने दैट इज के बाद वी उसके ऊपर लाइन, ये इसको इसका मतलब फॉर एवरी, दिस इज लोकेशन फॉर एवरी, ठीक है? इसका मतलब होता है फॉर एवरी। ये जो यहाँ पे मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिखा गया, अगर इसको कोई वर्ड में लिखे तो इसको इस तरीके से लिखेगा, वर्ड में लिखना चाहे कोई तो, ठीक है? कैसे लिखेगा ये, वो लिखेगा फॉर एवरी, दिखाता हूँ लिख करके। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको वर्ड में कोई लिखे तो उसको इस तरीके से लिखेगा, दैट इज फॉर एवरी y element y, that is for every y element y, there exist an element x in x such that fx equal to y, इसे जब यहां पर लिखना चाहिए था हमको, ठीक है? तो इसका मतलब फॉर एवरी है, ये आपको बता रहा है कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है? ओके यस सर, ठीक है। तो F3 F4 आपके सब्जेक्टिव थे और F1 एंड F2 आर नॉट सब्जेक्टिव। सिंस आपको पता है E और F, E कामा F element Y, मैं इसको X1 X2 की बजाय Y लिख लूं तो हमारा पूरा कोरिलेट हो जाएगा ना। मैं इस एग्जांपल को यूज कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि डेफिनेशन में हमने X Y लिख दिया तो यहाँ पे वो चीज ले लेते, X Y, X and Y, ठीक है? E and F element Y and there does not exist any element in X, whose elements are these E and F, ठीक है? ओके Yes, sir. FE has no image and FF also has no image. F1 लिखो या F2 लिखो, ठीक है? F1 और F2 का कोई इमेज इन एलिमेंट का नहीं हुआ, तो F1 F2 आपके क्या है, सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है? F3 और F4 ही आपके सब्जेक्टिव हैं। चलिए अगली डिफिनेशन देखते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रूव करने के लिए आपको इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि y के हर एक एलिमेंट जो है वो x के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, ठीक है?
फॉर प्रूविंग सब्जेक्टिव प्रूव दैट no element in y exists which is not the image of any element आप x अंडर f, ठीक है। आगे बढ़े, एक मिनट सर, ये नोट करूं। हमने सब्जेक्टिव यानी अनटू देख लिया, अब वन वन देखते हैं। तो नई डिफिनेशन है आपकी वन वन को लेकर के, वन वन इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वन वन इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, वन वन इसको इंजेक्टिव बोलेंगे हम, ठीक है। ये वर्डों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम एक्स टू वाई, ए फंक्शन एफ सच दैट या डिफाइंड इन फ्रॉम एक्स टू वाई इज defined to be one one or injective बोलते हैं इसको, injective if the image the images of if the images of distinct elements of x under f are distinct are distinct that is for every x1 comma x2 element x fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2, ठीक है। अगर दो एलिमेंट्स x1 और x2 लिए जाए, अगर उनका इमेज सेम हो तो x1 equal to x2 ही कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। Then f will be called as 1-1. Otherwise, f is called many-1. F is called many-1. ठीक है?
एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, 1-1 के लिए सिचुएशन में आपके पास F2 है, नहीं है, F4 है जो कि 1-1 है, क्या है F4 1-1 है और F1 1-1 है, ठीक है, क्या है F1 एंड F4 R1-1 एंड F2 एंड F3 आर मैनी वन, ठीक है, तो इंजेक्टिव होने के लिए 1-1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर कोई फंक्शन आपका 1-1 भी हो और अनटू भी हो, यानी इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे फंक्शन को? बाइजेक्टिव। बट उससे पहले 1-1 पे ध्यान दें। 1-1 को प्रूव करने के दो तरीके हैं, टू प्रूव 1-1। आप क्या करो, x1 डज नॉट इक्वल टू x2 एलिमेंट x ले लो और आप प्रूव कर दो fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2, ठीक है। अगर ये बात आप प्रूव कर दो तो आपका फंक्शन 1-1 हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या था आपके पास में, आप दो इमेज fx1 एंड fx2 ले लो और आप प्रूव कर दो x1 इक्वल टू x2, तो भी आपका 1-1 प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, या तो कंडीशन 1 या कंडीशन 2। कई बार इमेज से आपके डोमेन में आना इजी होता है तो इसको ले लो, कई बार डोमेन का एलिमेंट चूज करके उसका इमेज निकालना इजी होता है तो इसको ले लो। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आप प्रूव कर देते हो तो ये 1-1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। मैनी वन के लिए सर एक बार पीछे दिखाना, मैनी वन के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा x1 does not equal to x2 element x implies fx1 equal to fx2, ठीक है। yes, sir. अगर ये आपने प्रूव कर दिया कि दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज है, ये आपका मैनी वन हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई। यस सर, सर टू प्रूव 1-1 करने के लिए x1 नॉट इक्वल, तो x1 उस पे भी तो सेम ही कंडीशन थी। अच्छा, इसमें नॉट इक्वल, हां x1 डज नॉट इक्वल टू x2, आपका इमेज भी सेम नहीं होती थी, ठीक है। यस सर, अगर इमेज सेम होती थी तो x1 x2 सेम हो जाता था। मैनी वन में x1 x2 अलग अलग होंगे लेकिन इनकी इमेज सेम होंगी, जैसे फंक्शन 2 में आते हैं, फंक्शन 2 में देखो 1 और 2 डिफरेंट है लेकिन इन दोनों का इमेज भी है, सेम है, ठीक है। 1 डज नॉट इक्वल टू 2 एलिमेंट x है लेकिन f21 इक्वल टू f22 इक्वल टू b है, ये मैनी वन हो गया, ठीक है। यस सर, तो ये तरीके हैं जो कि अगर आप प्रूव करके दिखा दोगे इनको तो मान लिया जाएगा कि मैनी वन हो गया आपका। चलिए अगली डिफिनेशन देखते हैं। यहां पे ध्यान रख सकते हैं
क्या ध्यान रख सकते हैं, अनटू होने के लिए जरूरी है एफ एक्स टू वाई इज अनटू इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई बन जाए, ठीक है, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई बन जाए, अदरवाइज हमने देखा था कि रेंज ऑफ एफ जो होगा वो सबसेट ऑफ वाई होगा, क्या होगा, सबसेट ऑफ वाई, हमको पता है कि जो रेंज होता है रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ वाई, क्या होता है, सबसेट ऑफ वाई, ठीक है बेटा, इसमें आपके पास कुछ एक्सेस एलिमेंट बच सकते हैं जो कि किसी का भी इमेज ना हो, जैसे कि हमने F1 और F2 में देखा हुआ है, ठीक है, सी एफ वन एंड एफ टू, ठीक है, ये वाले केस के लिए सी एफ थ्री एंड फोर, ठीक है, चलिए अब देखते हैं बाइजेक्टिव का डेफिनेशन, बाइजेक्टिव का डेफिनेशन लास्ट डेफिनेशन है ये, ए फंक्शन, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन एक्स टू वाई, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई is said to be, is said to be 1 1 and unto, ये दोनों होता है तो इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, तो अगर बाइजेक्टिव वर्ड लिखा हुआ है तो आपको वन वन और आन टू दोनों प्रूव करना पड़ेगा, इज सेड टू बी वन वन एंड आन टू इफ एफ इज बोथ वन वन एंड आन टू, एग्जाम्पल के लिए एफ फोर, F4 is 1 1 and unto, ठीक है, means this is bijective, तो तीन टर्म है आपके पास में, एक है सर्जेक्टिव, एक है इंजेक्टिव और एक है बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब अनटू होता है, इंजेक्टिव का मतलब वन वन होता है और बाइजेक्टिव का मतलब वन वन एंड अनटू होता है, ठीक है, यस सर, तो आपको मैं 5 मिनट का टाइम दूं पहले और कैसे इसको हम करेंगे, तो क्वेश्चन है सबसे पहला आपका, Let A be the set of all 50 students of class 10. Let A be the set of, let A be the set of all 50 students, all 50 students of class 10. Of class X in a school, in a school, okay? ये आपके सेट को डिफाइन कर दिया इन्होंने, अब फंक्शन बोल रहे हैं ये, लेट एफ इज सच दैट,
लेट एफ इज सच दैट ए टू एन बी फंक्शन डिफाइंड बाई बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू ठीक है। अब देखो ए में क्या होगा आपका ए में स्टूडेंट्स होंगे एक से लेकर के कितने तक होंगे ये 50 तक होंगे और एन आपका नेचुरल नंबर है इसमें एक से लेकर के 50 अब 50 के बाद 51 डॉट डॉट इंफिनिटी तक होंगे ठीक है होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि F1 की वैल्यू 1 होगी F2 की वैल्यू 2 होगी डॉट 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 F50 की वैल्यू 50 होगी होगी बात समझ में आ गया। यस सर आ गई। मतलब हुआ अगर दो डिफरेंट स्टूडेंट ले तो उनके डिफरेंट रोल नंबर मिलेंगे ठीक है। हर स्टूडेंट का अपना यूनिक रोल नंबर होता है और अगर आप कोई कॉमन रोल नंबर ले लो तो उसके लिए मान लो 2 ले लो तो 2 का एक ही एलिमेंट मिलेगा। अगर आपने जबरदस्ती किया कि हाँ ये इसी का है तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये 1 1 तो है ठीक है। इसको लिखते ऐसे लिखो नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास कैन हैव द सेम रोल नंबर लिखो नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर डियर फोर एफ मस्ट बी 1 1 ठीक है। Therefore, F is 1 1 Now, अंटू के लिए जरूरी था कि N जो है वो सबसेट हो F के रेंज का बट वी कैन फाइंड इजी एनी नंबर लेट 51 एलिमेंट N But 51 is not image of any x element A. Therefore, n is not equal to इसको ऐसे लिखना चाहिए therefore range n बड़ा है therefore range of f does not equal to n hence f is not onto ठीक है। Hence, F is not onto. Clear? Yes, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट so that the function f from natural number to natural number given by fx equal to 2x is 1 1 but not unto. क्वेश्चन को जितना अच्छे समझेंगे लिखना उतना आसान होता है. अगर इसका एलिमेंट 1 2 3 4 डॉट 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 ले ले, इसका एलिमेंट भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 हो जाएगा. 1 का इमेज 2 बनेगा, 2 का इमेज 4 बनेगा, 3 का इमेज 6 बनेगा, 4 का इमेज 8 बनेगा. तो आप देख सकते हो इसके हर एक एलिमेंट्स का जो इमेज है वो इसका इवन नंबर बनता जा रहा है. यानी 1 1 तो है लेकिन इसके जो ऑड नंबर है वो किसी के भी इमेज नहीं है, तो ये अनटू नहीं है. इस तरीके से आपको आंसर दिख गया. अब इसको लिखना है खाली आपको लैंग्वेज में. क्या करना है, इसको लैंग्वेज में लिखना है आपको. तो देखो कैसे लिखेंगे. देखो द फंक्शन इज 1 1. और इसके लिए आपको प्रूफ क्या करना होता है. 1 1 के लिए आप कोई भी दो इमेज ले लेते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि वो आपका x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा. 1 1 द फंक्शन इज 1 1 एंड फॉर दिस लेट अस टेक टू डिफरेंट इमेज fx1 इक्वल टू fx2. हमने सपोज कर लिया कि x1 x2 दो एलिमेंट हैं जिनका इमेज सेम है. ठीक है, यानी fx1 fx2 सेम है. इसका मतलब हो गया fx1 का किससे बना होगा, ये इसका इमेज एक्चुअली में कौन सी होगी, ये 2x1 होगी. इसकी इमेज कौन सी रही होगी, 2x2 रही होगी. इसका मतलब 2 2 से डिवाइड कर दो, x1 इक्वल टू x2. तो आपने अगर इमेज सेम लिया तो आपने निकाला कि x1 इक्वल टू x2 आ गया. देयरफॉर f1 इज 1 1. बात समझ आ गई, क्लियर हो गई? यस सर. ठीक, तो यहाँ पे इमेज से आकर के x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना इजी था हमारे पास, जैसा कि हमने ये मेथड देखा था यहाँ पे, ये मेथड नंबर 2 है ना. यस सर. तो इमेज ले लिया सेम और देख लिया x1 इक्वल टू x2. अगर इमेज सेम लिए होते यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 नहीं मिलता हमको, तो हम बोलते ये 1 1 नहीं है. अनटू के लिए देख सकते हैं, इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लो, एक एलिमेंट मिलना ही काफी हो जाता है. ठीक है, फॉर अनटू सिंस वन एलिमेंट एन है ना, वन एलिमेंट एन एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x in n such that
एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू वन, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू वन, डियर फोर एफ इज नॉट अनटू, ठीक है, यस सर, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स इज वन वन एंड अन टू, इज वन वन एंड अन टू। अब देखो ये नेचुरल नंबर था, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ही एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे ये रियल नंबर है, रियल नंबर में सब कुछ एग्जिस्ट करेगा, 1.5, 0.5, 2.5, 3.5 सब कुछ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, हेलो, रियल नंबर पे सब कुछ एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल नंबर पे था तो ये 1-1 था, अगर रियल नंबर पे ले लिया तो ये अनटू भी हो गया, ठीक है, कैसे, ओके सर, सोल्यूशन बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, लिखो एफ इज वन वन एज एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ले लें तो दिस इंप्लाइज टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स टू, दिस मीन्स एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो 1-1 की कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, ठीक है, नाउ एफ इज अनटू। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा, लेट वाई एलिमेंट आर, कोई एलिमेंट आर ले लिया वाई में, ठीक है, वाई ले लिया आर में, लेट वाई एलिमेंट आर, then there exist y by 2, there exist y by 2 element r such that f y by 2 equal to 2 into y by 2 equal to y, बात समझ में आ गई, hence f is unto, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपने किस सेट में डिफाइन किया है इसको, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, ठीक है, रियल नंबर में सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, पूरी नंबर लाइन जो है वो एग्जिस्ट करती है आपकी, ठीक है, यस सर, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कि डोमेन के एलिमेंट का इमेज ना हो, ठीक है, बस समझ आ गई, यस सर, एक क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन है सो दैट
क्वेश्चन इज सो दैट द फंक्शन सो दैट द फंक्शन एन टू एन करते हैं चलो पहले सो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन गिवन बाय एफ वन इक्वल टू टू एफ वन इक्वल टू एफ टू बहुत बढ़िया इक्वल टू वन एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन फॉर एवरी x greater than 2 is unto but not 1 1 unto but not 1 1 बताओ उपाय का पाएगा यस सर हो जाएगा ऐसे समझाओ सर क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 2 होगा हाँ तो सर फिर उसमें ये डेफिनेशन पूरी एक साथ में दी हुई है 1 और 2 के लिए वैल्यू दे दी गई है और 2 से बड़े वाले के लिए फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है ये ओके ये फंक्शन दिया है fx इसका मीनिंग ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है आपको 1 इफ x इक्वल टू 1 सर क्योंकि इस पे दो की सेम वैल्यू है और ये x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2 ये जो लिखा हुआ है लैंग्वेज में इसका मीनिंग ये हुआ है हाँ बोलो क्योंकि इन दोनों की सेम वैल्यू है फिर से बोलो तेज बोलो आवाज नहीं आ रही है क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है दोनों की सेम वैल्यू है x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 का इसलिए ये 1 1 नहीं हुआ अनटू प्रूव करो कि अनटू है तो प्रूव करो कि अनटू है ये कैसे प्रूव करेंगे देखो आपको डिफाइन कैसे किया गया है fx इक्वल टू x माइनस 1 ओके यहां पे जो भी x होगा 1 और 2 को छोड़ करके वन और टू को छोड़ करके वन टू छोड़ करके जो भी एक्स होगा उसके लिए यहाँ पे एक्स माइनस वन इमेज होगी ठीक है क्या होगी इमेज एक्स माइनस वन इमेज होगी यहाँ पे ठीक है एक्स माइनस वन इमेज होगी ठीक है एक्स प्लस वन के लिए एक्स होगी एक्स प्लस टू के लिए आपकी एक्स प्लस वन होगी है ना अब देखो इसको रिवर्स लेकर के आना आपको रिवर्स कैसे लेकर के आना है कि सपोज करो कि कोई भी एलिमेंट आपके फंक्शन का ठीक है एक्स है कोई भी एलिमेंट आपके फंक्शन का एक्स है ठीक है देखो ध्यान से अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट एक्स प्लस वन चूज करें तो इसकी जो इमेज यहां बनेगी वो क्या बनेगी x बनेगी है ना सर क्योंकि उसके लिए हर एक नेचुरल नंबर होगा ना मतलब x बनेगी ना के लिए यानी कि यस सर यानी कि इसके लिए इमेज के हर एक एलिमेंट के लिए यहां पे x प्लस 1 एक
एलिमेंट होगा जिसका ये इमेज हुआ होगा, है ना? यस सर। और क्या है, वन और वन, ये इमेज है वन और टू का, ठीक है, वन और वन, वन क्या है, वन और टू दोनों का इमेज है, बात समझ में आ गई? तो टू yes, किसका इमेज yes. होगा, टू इमेज होगा थ्री का, है ना? इसी तरीके से आप देखते जाओ तो इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा, है ना? लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखेंगे, लिखना इंपॉर्टेंट है, F is not one one. F is not one one as F one equal to F two given है. But this implies one does not equal to two. ठीक है? But this implies one does not equal to two, क्योंकि इसका भी इमेज वन था, इसका भी इमेज टू था, है ना? टू का भी वन है, मतलब एफ वन वन के लिए और एफ टू के लिए भी वन वन ही है, बात समझ में आ गई? दिस इज इमेज ऑफ वन, दिस इज इमेज ऑफ टू, ठीक है? एफ वन, यस सर, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, लेकिन एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू मिल रहा है आपको, ठीक है? ओके बेटा, यस सर, इसलिए आपका वन वन नहीं हुआ, इक्वल टू वन दे दिया गया आपको, बट वन डज नॉट इक्वल टू टू होता है। आप एफ को ऑन टू को प्रूव करें, एफ इज ऑन टू, तो लेट लेट वाई एलिमेंट एन, एन का मतलब इस वाले एन की बात कर रहे हैं, देन लेट वाई एलिमेंट एन, देन देयर एग्जिस्ट वाई प्लस वन इन एन सच दैट एफ वाई प्लस वन इक्वल टू वाई प्लस वन माइनस वन इक्वल टू वाई, बात समझ में आ गई? यस सर। इस तरीके से इसको लिखना होता है आपको, ठीक है? देन देयर एग्जिस्ट वाई प्लस वन इन एन सच दैट एफ वाई प्लस वन इक्वल टू वाई, देयर फोर एफ इज ऑन टू, देयर फोर एफ इज ऑन टू, so that the function fx equal to x square. Is neither one one nor on two. बताओ प्रूव करके कैसे बनेगा? सेम एलिमेंट मिलेगी तो वन वन नहीं रहा, और माइनस वाले जो एलिमेंट्स हुए किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं होंगे वो, इसलिए जो है ये अनटू नहीं रहा। बहुत बढ़िया,
ठीक है, प्लस वन माइनस वन, इसका भी वन हो जाएगा, इसका भी वन हो जाएगा, है ना। लेकिन yes, इसका माइनस वन किसी का इमेज नहीं होगा, तो कोई एक एलिमेंट ले करके भी आप डिस्कस कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट ले लो आप। तो सोल्यूशन में इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक्स वन डज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स वन, हमको पता है ये, है ना। यस सर। बट अगर स्क्वायर कर दें, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये बन जाएगा आपका एफ एक्स वन इक्वल टू एफ माइनस एक्स वन। तो जो पहला रूल हमने बताया था कि एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू लेकर के प्रूव कर दें, एफ एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, तो वन वन हो जाए, अगर उसका अपोजिट आ जाए तो ये नॉट वन वन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हेंस एफ इज नॉट वन वन, इसको ऐसे ही प्रूव करना जैसे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर ऑन टू, देखो माइनस एक्स एलिमेंट आर, बट दियर एग्जिस्ट नो एलिमेंट इन आर सच दैट एफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। एफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता ना ये, ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स, कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर F is not untrue, ठीक है। बहुत अच्छा होता है कि कोई बच्चा अगर चाहे लिखना है इसमें तो वो x के बजाय y लिख करके करे, क्योंकि जनरली जो इमेज वाले होते हैं उसको y लिखना प्रेफर करते हैं, fx equal to y, ठीक है। तो y के टर्म में भी लिख सकते हैं आप और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके, नोट कर लिया। यस सर। अगला क्वेश्चन करो। सो दैट F is n to n, given by fx equal to x plus 1 if x is odd. And x minus 1 if x is even. So that f is both 1 1 and unto. Proof हो सकता है? Yes sir. करो।
लिख के हमने चेक कर लिया कि हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? देखो दो सिचुएशन है आपके पास, पहले 1-1 को प्रूव करते हैं, 1-1 के लिए लेट x1 and x2 एलिमेंट n एंड दीज आर ऑड नंबर, ठीक है ठीक है, एंड यस सर x1 and x2 आर ऑड नंबर, देन x1 डज नॉट इक्वल टू x2, this implies x1 + 1 also does not equal to x2 + 1 के, ठीक है, दोनों साइड ने प्लस वन कर दिया हमने, ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज fx1, दिस इज fx1 and this does not equal to fx2, thus we have taken x1 does not equal to x2 and we have proved fx1 does not equal to fx2, or isko aise likhte fx1 equal to fx2, x1 x2 odd hai, to iska matlab ho jata x1 plus 1 equal to x2 + 1 इक्वल टू 1-1 कैंसिल हो जाता x1 + x2, ठीक है बेटा, तो yes, दोनों में से कोई भी सिचुएशन प्रूव कर देंगे तो हमारी बात हो जाएगी कि अगर x ऑड है तो ये आपका 1-1 होगा। अब इवन के लिए करके ऐसे दिखाना पड़ेगा, फॉर x1 and x2 एज इवन नंबर लेट fx1 = fx2, दिस इंप्लाइज x1 - 1 = x2 - 1, और दिस इंप्लाइज x1 = x2, देयरफॉर f इज 1-1, ठीक है, देयरफॉर f इज 1-1, ठीक है बेटा, यस सर। अब ध्यान से देखो, तो इसमें जो बनाया था हमने डोमेन, ये आपका डोमेन होता है डी, ये आपका को डोमेन होता है सी डी, एन और एन है, एफ गया हुआ है, रिलेशन क्या है, या तो एक्स प्लस वन होगा या एक्स माइनस वन होगा, ठीक है, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, इसमें का कोई भी एलिमेंट ले लो, तो आप ध्यान से देखो, अगर इसको अगर आप सेट करो इस वैल्यू को 2r + 1, एक नंबर लेते हैं, अगर r आपका ऑड है तो 2r + 1 ऑड हो जाएगा, r इवन है तो ये भी ऑड ही रहेगा, 2r + 1 नंबर क्या होगा, ये हमेशा ऑड ही रहता है ना, यस सर। तो जब ऑड नंबर इसमें से लोगे तो ऑड नंबर क्या होता था, देखो ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसका मीनिंग था कि अगर x आपको ऑड था तो यहाँ पे इवन मिलता था, है ना, x प्लस वन मिलता yes, था sir. और जब इवन था यहाँ पे कोई इवन नंबर होगा, x माइनस वन मिलता था आपको, देखो बहुत अच्छी बात है, देखो ध्यान से, अगर 2 लेते थे तो 3 मिलता था, सॉरी ये इवन हो गया ना, 1 मिलेगा 2 लेंगे तो, 1 लिया तो 2 मिला और 2 लिया तो क्या मिला, 1 मिला, है ना, यस सर। तो हमने जब ऑड लिया था यहाँ पे तो इवन मिल गया था, जब इवन लिया था यहाँ पे तो हमको ऑड मिल गया था, ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे आप ऑड नंबर लोगे यहाँ पे इवन मिलेगा, देखो ध्यान से,
इसके क्रॉस एलिमेंट होगा यहाँ पे 2R+2 होगा, ठीक है 2R+2 होगा, बात समझ आ गई। और अगर यहाँ पे 2R एलिमेंट ले लिया जाए तो इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट यहाँ पे 2R-1 होगा, ठीक है। यस सर, तो लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसको, लेट लेट 2R+1 element n, then ये आठ होगा, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप क्लियर है। देन देयर एग्जिस्ट टू आर प्लस टू एलिमेंट n सच दैट एफ ऑफ 2R+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आठ नंबर है, ये बन जाएगा 2, ये इवन हो जाएगा ना, ये आठ का ये इवन हो जाएगा, बन जाएगा 2R+2-1 है ना, इक्वल टू 2R+1। आ गया नंबर आपका। सिमिलरली सिमिलरली 2R एलिमेंट n देयर एग्जिस्ट 2R-1 in n such that f of 2R-1 equal to 2R-1+1 equal to 2R, ठीक है। यस सर, देयरफॉर f is therefore f is unto, ठीक है। so that unto function f is always 1-1. जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कहें तो उसका एक सिंपल ट्रिक होता है कि आप सपोज करो कि ये 1-1 नहीं है, क्या करो, सपोज एफ इज नॉट 1-1, एफ 1-1 नहीं है तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा कि उनके दो से ज्यादा एलिमेंट जो कि डोमेन में होंगे उनका इमेज सेम होगा, यानी एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू अगर ले ले हम तो हमको ये मिलना चाहिए कि एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू, ठीक है ओके। यस सर,
ठीक है, इफ एफ वन इज नॉट 1 1 देन डियर मस्ट एग्जिस्ट, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 elements in domain whose image is same. Okay, let these elements आर, कोई भी एलिमेंट दो तीन में से कोई दो ले सकते हो, 1 and 2, देन एफ वन इक्वल टू एफ टू, है ना? ओके यस, देन एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू 1 image, है ना? One image, and F3 equal to and other image. Let's say this is Y1 and this is Y2. Okay. So in this way we can see कि जो आपका इमेज सेट है उसमें सिर्फ दो ही इलेमेंट हो सकते हैं. Thus range of F will be y1 comma y2, and this does not equal to 1 2 3, which has 3 elements. Okay, अगर दो का इमेज कॉमन हो गया तो तीसरे का अलग होगा. इस तरीके से इसके रेंज में सिर्फ दो ही इमेज हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि फंक्शन के डिफिनीशन है, फंक्शन के डिफिनीशन है किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है. तो अगर दो एलिमेंट का इमेज कॉमन हो गया तीन में से, तो तीसरे का यूनिक हो जाएगा. इस तरीके से इसके रेंज में सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, जबकि कोडोमेन में 3 एलिमेंट है, तो ये आपका 1 2 नहीं हो पाएगा. ठीक है, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन 2. Hence, our assumption that F is not 1 1 is incorrect, as it is given that F is on 2. Okay? This means clear? This leads. F is not onto and which is incorrect. Hence, if F is onto, then F is always 1 1. Note the note.